बता रहे थे अभी जो हम खाए यदि आप खिलाए, कहने का मतलब कि पहले हम से खाए हैं किसी भी जन्म में, या तो पहले कहीं कर दिए उसका परपज हम अभी उस माध्यम से चुका रहे हैं, खिला करके अन्न दान करके करके तो पहले हम लिए हैं वही हम परपज से दूसरे जन्म में कर रहे हैं। सर हम लिए हैं, क्या लिए हैं नहीं लिए हैं ये मुझे तो नहीं जानकारी ना आपको जानकारी है, लेकिन यह बात सत्य है कि जो मैं अभी किया हूं, जो मेरे सामने हो रहा है, पास्ट पे लोगों का भरोसा कम होता है, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान की नींव पे ही भविष्य की नींव खड़ा की जाती है, यह सही है या गलत है? वर्तमान की स्थिति को देखते ही भविष्य की नींव खड़ी की जाती है। पास्ट में बाढ़ आया था तो उसके डर से हम आज मकान नहीं बनाएंगे, ऐसा होता है क्या? जहां बाढ़ आया वहां लोग जमीन भरे और कल्पना की अब बाढ़ नहीं आएगा, तो मकान बनाने से भी भविष्य बनाया जाता है। नहीं नहीं, पास्ट से नहीं बनाया जाता, पास्ट से लेकर के सीख ली जाती है, सिर्फ भविष्य भूत से आप शिक्षा ले सकते हैं, उससे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा ले तो क्या हुआ है? और वर्तमान में जो करेंगे भविष्य उस पे डिपेंड करता है, पास्ट पे। सर पहले सुन लीजिए, बोलने दीजिए सर को, सुन लीजिए है ने, और मेरे बोलने के बाद बोलेंगे तो पहले आप ही बोल लीजिए, बैठ के नहीं बोलिए, चालू हो जाएगी। नहीं, पास्ट से भी भविष्य तय होता है, पास्ट से सिर्फ हम शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा कि ऐसा हुआ था तो हमको ऐसा करना चाहिए, क्या हुआ है उसके आधार पे वर्तमान में हम काम, भविष्य हुआ है क्या हुआ, शिक्षा हम लेकर के गलती नहीं तक करें उस चीज को हम नहीं द्वारा, वर्तमान में वैसा करेंगे तब भविष्य तैयार होगा, अगर सिर्फ शिक्षा ले लिए वर्तमान में कुछ करेंगे नहीं, शिक्षा ले करेंगे है? शिक्षा मुझे सीखे है, हम गड्ढे गिरे हुए, अगर हम गड्ढे में नहीं गिरे आज उससे हमको सचेत रहना, आज हम तो क्या हुआ, आज हम पढ़ रहे हैं तो कल मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, है ना, इसकी कल्पना की जाती है कि मैट्रिक करेंगे तो फिर पांचवा में चल जाएंगे, ऐसा तो पास नहीं है, कल्पना की जाती है कि हम जो पीछे पढ़े ना वही हम आगे पढ़ने में भरे, आज का पढ़ा हुआ नहीं भर सकते, क्या आज का पढ़ा हुआ हम नहीं भर सकते, इसके लिए हम 10 साल तैयारी किए, 10 साल पास्ट में गए तब वर्तमान में गए, तो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं भविष्य के लिए कर रहे हैं, नहीं पास्ट में जो किए भविष्य के लिए किए, पास्ट भूत का जो है कहीं कोई परिकल्पना नहीं की जाती है, भूत के क्रिया का सिर्फ बखान कर सकते हैं, उससे शिक्षा लेके हम आगे काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कहीं उसका लेखा जोखा वो इतिहास के पन्ने में चला जाता है, लेकिन आप वर्तमान जो करते हैं वो आगे जनरेशन के लिए काम करते हैं, उसके भलाई के लिए हम काम करते हैं, इसलिए वर्तमान की नींव पे ही भविष्य की नींव खड़ी की जाती है, वहाँ से शिक्षा लेकर किसी को